फर्स्ट टाइम में अटेंड करना मतलब क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ी बात है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल तो कितने घंटे पढ़ते थे ये भी बता दो क्योंकि बच्चे जानना चाहेंगे लेकिन एक वादा मेरे से किया था जब स्कूल में एडमिशन कराए राजस्थान में बोला आप अपना वादा करिए पूरा हम हाँ, अपना करेंगे और बस अब हो भी गया <laughs> मतलब अब यकीन नहीं हो रहा कि दो साल पहले सपना देखा था और अभी वो रियल भी पहुंच गया तो बहुत खुश हूँ डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया था कुछ क्लास में थी तब चलाते चलाते बेटे को आपने डॉक्टर बनाने वाले भाभी डॉक्टर बन गए आपके बेटे कैसा लग रहा है तो रिजल्ट जब आया तब कब थे समय एक खेतों में एक कॉलोनी है जो दो गाँव के बीच में गाँव में भी नहीं है जी। और वहाँ पर पे इस कॉलोनी में रह करके इसने इतनी अच्छी मेहनत की है और ये नीट निकाली है छह जो है नंबर लेके आए तो तारीफ के काबिल है हमें भी बहुत खुशी होती है नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ और चेहरे पर जो मुस्कान आप देख पा रहे हैं ये नीट क्वालिफाई किए हुए छात्र के माता पिता हैं पिता ड्राइवर है और माँ जो है गृहिणी है और फिर भी बच्चे ने वो काम कर दिखाया है जो काम बड़े बड़े जो जिन्हें संसाधन मिलता है बहुत ताम झाम सुविधाएँ मिलती है ट्यूशन बड़े बड़े कोचिंग करते हैं उन्हें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते वो अच्छे रैंक नहीं ले पाते वो एक ड्राइवर के बेटे ने रैंक लाया है और हम मौजूद हैं धमधा के पास धौरा भाटा और ठेंगा भाट में जो स्थित है ए, ए, एस जे फार्म एज जे कॉलोनी जहाँ पे एस जे में काम करने वाले ड्राइवर उनसे बातचीत करेंगे उनके बेटे ने जो क्वालिफाई किया उनसे भी बातचीत करेंगे शुरुआत उनके बेटे से बात करते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है भाई क्या नाम है आपका मेरा नाम है वैभव सिंह राठौर जी वैभव हाँ कितने रैंक आए आपके Uh, मतलब मेरे ओवरऑल स्कोर बना है छः सौ अट्ठाईस नंबर और इस बार की रैंक आई है फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी जी तो मेडिकल कॉलेज डन है हाँ मैं एम पी से बिलोंग करता हूँ तो मेडिकल कॉलेज डन है डन है हाँ बहुत बढ़िया तो ये रैंक और अच्छे हो सकते थे लेकिन कुछ चीज़ें चल हाँ, रही है, हाँ, से हाँ, से है। उसी की वजह से हुआ है अराउंड फिफ्टी मतलब फिफ्टीन में आना चाहिए था बट जो है ठीक है जी तो कहाँ कोचिंग की है आपने मतलब कोचिंग ऑनलाइन की थी जी मतलब वहाँ से मैंने ऑनलाइन से पढ़ा हुआ था जी और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जी और मतलब दो साल से प्रिपेयर कर रहा था पहली बार में भगवान की दया से हो गया फर्स्ट टाइम में अटेंड करना मतलब क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ी बात है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल तो कितने घंटे पढ़ते थे ये भी बता दो बच्चे जानना चाहेंगे मतलब मैं पूरा दिन कह लीजिए मतलब मैं घर में रहता था तो पूरा दिन पढ़ने में ही जाता था हाँ, हाँ, काम करना नहीं नहीं मेरे पास कुछ काम नहीं होता था था तो मैं, हाँ हाँ जी। मतलब पढ़ने में मेरा पूरा टाइम निकल जाता था और फिर बस वही सुबह से शाम तक जितना पढ़ पाऊँ पढ़ पाऊ मतलब पूरा दिन में बारह तेरह घंटा देता था और इफेक्टिव में पाँच से छः सात ऐसा ले लीजिए और फिर उसके बाद बस वही इसी तरह से हो गया बिल्कुल बिल्कुल स्कूल जो है कहाँ पे स्कूल आपका मतलब मेरा स्कूल है धमधा में कॉन्वेंट स्कूल अच्छा वहाँ पे और भी बच्चे क्वाली, नीट एग्जाम दिए होंगे हाँ मतलब मेरी क्लास के बहुत सारे दिए हैं और बहुत सारे ड्रॉप लेके दे भी रहे हैं जी तो क्वालिफाई करने वाले हो मतलब हाँ अभी तो मैंने जितना सुना मैं ही हूँ शायद ग्रेट हाँ तो माँ पापा का कितना सपोर्ट सपोर्ट अब तो स्वाभाविक रहा सपोर्ट रहा होगा लेकिन तो फिर भी कितना और क्या एक्स्ट्रा किए जो माँ पापा से आप वो किए थे कि मतलब इन्होंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई मेरे से कि तेरे को करना है या नहीं करना है बस छोड़ दिया जो तू करना चाहे कर ले मतलब बस वो लोग पूरा सपोर्ट किए कुछ ऐसा नहीं करते मतलब कि बस तू देख ले अपने हिसाब से खुद तू कर ले तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिल हाँ मेरी मैंने ये माना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं खुद से मुझे करना चाहिए तो बस मैं बस पढ़ाई किया मेरा प्रेशर आपका किसका था मतलब माँ पापा का प्रेशर तो था नहीं।, नहीं तो क्या नहीं, प्रेशर नहीं। था, था? आ... नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं था मतलब सब बहुत अच्छा था मेरे को लगता था कि मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था मैंने नोटिस किया ना टेंथ में मेरे को इजी लगी पढ़ाई तो मैं जान गया कि इलेवेंथ में इलेवन ट्वेल्थ करके कर सकता हूँ और टेंथ के टाइम में जान लिया था नीट एग्जाम के बारे में तो बस मैं सोचा दो साल करते प्रिपेयर मेरे को लगा था हो जाएगा और बस अब okay. हो भी गया तोड़ फोड़ दिए मतलब अब यकीन नहीं हो रहा कि दो साल पहले सपना देखा था और अभी वो रियल भी पहुंच गया तो बहुत खुश हूँ अराउंड का का क्लास, था था? Uh, तो क्लास में जब मेरी दादी की डेथ हुई थी उसी के दस पंद्रह दिन बाद जी हाँ। हाँ। मतलब डॉक्टर बनना हाँ तब भी मैंने नीट एग्जाम के बारे में जाना भी था और एक बार उसका सिलेबस वगैरह मैंने तभी देखा था फिर मैं समझ गया था कि हाँ मतलब एक्चुअल में करने लायक है तो फिर मैं सोचा मैं एक बार खुद से ट्राई करूँगा और मैं किया फिर प्रिपेयर डॉक्टर की कमी से वजह क्या हुआ था दादी के नहीं मतलब दादी की ना तबीयत खराब थी वो यहीं पे आई थी हमारे के साथ कुछ दिन के लिए मतलब अराउंड छः मंथ रही थी उनकी तबीयत ख़राब थी फिर यहीं पे उनकी सडनली किसी कारणवश मतलब डेथ मतलब भी हो गई थी हाँ यहीं पे उनकी डेथ भी हुई थी तब मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि डॉक्टर से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती तो मेरे को बनना चाहिए एक बार डॉक्टर हाँ जी सर क्या नाम है आपका

तो कितने घंटे पढ़ते थे बताओ अभी तो। नहीं, तो, नहीं, पढ़ो, पढ़ो। नहीं, नहीं बोला तो पढ़ता था, हाँ। अब मैं कहता था सिर्फ आपका काम है, reading, पढ़ाई। जी। कुछ करना है तो पढ़ना है तो इसके अलावा कुछ बैठे नहीं थी और कुछ भी नहीं करना जिसकी माँ बाहर सपोर्ट करी कुछ भी नहीं करने देती थी मतलब कोई भी छोटा मोटा काम कुछ नहीं सिर्फ नहाना खाना और पढ़ना है बेटा डॉक्टर बन जाएगा आपका अब आप लोग एक दुआएं हैं सर बन जाएगा तो जाएगा, मेडिकल कॉलेज मिली जाएगा सरकारी मेडिकल कॉलेज जी जी सर, सर, जी सर। जी। मैं की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है जी क्या नाम है आपका जी आप बताइए मुझे कि जब ये बारहवीं में था जब एग्जाम देने जा रहा था तब इसके खाने पीने में कितना आपने बदलाव किया मैं खाने पीने में कुछ नहीं वो खाता ही नहीं था ज्यादा जो मर्जी जो दो दोगे वही खाता था लेकिन एक वादा मेरे से किया था जब स्कूल में एडमिशन कराए राजस्थान में बोला आप अपना वादा करिए पूरा हम अपना हाँ। करेंगे हाँ, हाँ। फिर जिस दिन नीट निकाला बोला हम अपना वादा पूरा कर दिए बहुत बढ़िया हाँ बहुत खुश हुआ बहुत खुशी हो रही है वो चमक रहेगी जब तक डॉक्टर जी और कोई फिकारी इस नहीं, नहीं, नहीं कोई में नहीं कोई नहीं सब बढ़िया में अनिल शर्मा जी सर आप तो इंटरनेशनल किसान है ही प्रगतिशील उन्नत किसान लेकिन आपके कॉलोनी के रहने वाले बच्चे ने कमाल कर दिया धमाल कर दिया है देखिए तुम्हें जाके कोचिंग लेते हैं वही बच्चे पढ़ते हैं वही आगे निकलते हैं मेरी बेटी ने भी पी एम था उस टाइम पे एम किया मैंने दो साल उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई और मैं दिल्ली में रहे अच्छा, वहाँ पे कोचिंग दिले आकाश इंस्टीट्यूट से अच्छे के लिए और वहाँ से फिर उनका एडमिशन हुआ अभी वो एमडी कर रही है सर्जन बन जाएगी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से उसने भी अच्छा रैंक लाया चार हजार रैंक था उसका ऑल इंडिया में नीट में लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसके पीछे मैंने लाखों रुपया खर्च किया जी। तब हुआ आपकी तो मेहनत आपका टाइम गया टाइम गया दो साल तक उसकी मम्मी वहाँ रही मैं यहाँ रहा आते जाते रहे दिल्ली से लेकिन एक बच्चे ने इस यहाँ पे कॉलोनी में रह करके जो एक खेतों में एक कॉलोनी है जो दो गांव के बीच में गांव में भी नहीं है जी। और वहाँ पर पे इस कॉलोनी में रह करके इसने इतनी अच्छी मेहनत की है और ये नीट निकाली है छह सौ अट्ठाईस जो है नंबर लेके आए तो तारीफ के काबिल है हमें भी बहुत खुशी होती है कि भाई चलो हमारे यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं या हमारे यहाँ जो स्टाफ रह रहे हैं उनके बच्चे भी उन्नति कर रहे हैं देखो आपको एक हमेशा खुशी होती है कि आपने जो आपके साथ स्टाफ काम कर रहे हैं वो आपके परिवार के मेंबर रहते हैं अब वो तो जिस पद पे काम कर रहा है इनके पिताजी ड्राइवर हैं अब उस ड्राइवर को तो उन्नति करते करते टाइम लगेगा कि भाई वो ड्राइविंग सीखा है वो उसको हम कल रख कैसे बनाए क्योंकि वो ड्राइवर सीखा है।, है लेकिन उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और उनको भी खुशी मिलती है सीना चौड़ा होता है कि भाई हमारे साथ काम करने वालों की अगली पीढ़ी कम से कम सुधर गई इनका बुढ़ापा जो है कम से कम वो अच्छा हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बाकी आप सपोर्ट के लिए कितना तैयार हैं नहीं हम हम लोग पहले भी सपोर्ट में तैयार रहते हैं पहले भी यहाँ पे रहते हुए ये राजेश पुनिया जी हैं यहाँ हमारे इंचार्ज हैं फार्म के और यहाँ कॉलोनी के ये लोग भी ध्यान रखते हैं इसके अलावा हम लोग भी आगे भी जब हमारी कोई जरूरत होगी हम इनके साथ तैयार खड़े हैं ताकि एक अच्छा डॉक्टर मिले और इसके जो इसने किया है पैयर होकर के बाकी लोग भी आगे बढ़े होंगे हाँ मोटिवेट होंगे जी बिल्कुल सर जो लोग एस जे फॉर्म को नहीं जानते उनके बारे में बता दीजिए कि हम एस जे कॉलोनी मौजूद है लोगों को लगेगा कि कोई एस जे कॉलोनी कोई कॉलोनी होगी तो उनको बता दीजिए एस जे कॉलोनी क्या है एस जे फॉर्म क्या है देखिए एस जे ग्रुप है जी एस जे ग्रुप हमारा माइनिंग का काम करता है बिलाई में हमारा ऑफिस है और इसके अलावा हम एस जे फार्म चलाते हैं हमारा पाँच सौ एकड़ का फार्म है एस जे फार्म एस जे डेयरी तो ये एस जे के नाम से साथ में हमने कॉलोनी भी रखी हुई कि जो हमारे लोग हमारे साथ काम करते हैं वो अच्छे जीवन यापन कर सकें अच्छे से रह सकें उन्हीं के लिए कॉलोनी बनाई हुई है तो ये एस जे कॉलोनी एस जे फार्म की है और इसीलिए आज अच्छा रिज़ल्ट भी आया है हाँ आज एस जे फारम ने एस जे कॉलोनी में रहने वाले बच्चे ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है तो हम इसको पुण्य बधाई देते हैं इसके मम्मी पापा को बधाई देते हैं कि और आगे बढ़े और ये एमडी तक के करके करके स्पेशलाइजेशन ये बहुत अच्छा भारत का बड़ा डॉक्टर बने बिल्कुल शुभकामनाएं वैभव आपको ढेर सारी बधाई है मुझे कोई टीचर का नाम बताओ जिस टीचर ने आपकी काफी मेहनत की हो उन्होंने सोचा था उन्होंने गाइड किया था इस टीचर के बारे में मतलब आ, मैंने तो ऐसे वो क्या बोलते हैं लाइव लेक्चर नहीं देखता था वो जो रिकॉर्डेड होते थे रिकॉर्डेड वाले देखता था आ, अच्छा स्कूल में मतलब, हाँ, एकदम सही बात है मतलब स्कूल के टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे कि अगर मैं स्कूल थोड़ा कम भी आऊँ तो वो मतलब बोल देते दे हाँ बोल देते दे हाँ मतलब उनको पता था कि मैं खुद ही पढ़ता हूँ तो वो सपोर्ट करते थे वन ऑफ द सर वॉज हेमंत सर थी दिव्या मैम और निवेदिता मैम ये सब ऐसे टीचर्स है बहुत बहुत अच्छे टीचर्स थे उन्होंने मेरा मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था बिल्कुल हाँ वैभव बधाई बधाइए शुभकामनाएं एक बार फिर से नीट क्वालीफाई किए हैं ड्राइवर के बेटे हैं एस जे फार्म एस जे कॉलोनी में रहते हैं एस जे फॉर्म में ड्राइवर हैं और उन्होंने छः सौ अट्ठाईस रैंक लेकर आए मतलब छः सौ अट्ठाईस नंबर्स लेकर आए हैं और रैंक में हिसाब से उनका देखा जाए तो उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अपने आप पर बड़ी बात है कि एक ड्राइवर का बेटा जो इस माहौल के बीच में आपको मालूम होगा कि रिजल्ट का क्या क्या चल रहा है नीट के रिज़ल्ट को लेकर क्या चल रहा है देश में बवाल चल रहे हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान है लेकिन एक सिकन भी है कि रिज़ल्ट और बेहतर हो सकता था शायद रिज़ल्ट बेहतर होता है यानी कि नीट ट का जो रिजल्ट है नीट में किसी प्रकार की धांधली नहीं होती तो शायद और अच्छा हो सकता था उनका कहना है लेकिन सफलता के मूल मंत्र बहुत सारे वैभव ने बता दिए हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई करता रहा कहीं किसी प्रकार का टेंशन नहीं था कोई तनाव नहीं था ना माता पिता ने प्रेशर दिया ना टीचर्स ने प्रेशर दिया ना ही कोई कॉम्पिटिशन वाले कोई मन में स्वभाव था बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था बाकी हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि छत्तीसगढ़ का लाल दुर्ग जिले का एक लाल जो ड्राइवर का बेटा है उसने नीट क्वालिफाई कर चुका है